हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्लैक बॉक्सिंग। आपकी बात हो रही है आमिर से। आज हम एक ऐसे फोन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको पसंद आने से पहले ही दिक्कत के अंदर डाल सकता है, तो देखते हैं इसके बारे में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वन प्लस 12 5G, जो कि 2024 के अंदर रिलीज हुआ है। मेक श्योर आप वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर ऐसी बातें करने वाले हैं जिनको जानने के बाद शायद आप वन प्लस 12 फोन लेने का मन चेंज कर दें। काफी शॉकिंग रिव्यूज आपके लिए हम लेकर आएंगे इस वीडियो के अंदर। आपको वन प्लस 12 5G क्यों खरीदना नहीं चाहिए, लेट्स डाइव इनटू द इश्यूज यू शुड नो। दोस्तों, अगर आप वन प्लस 12 5G लेने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, इसके अंदर काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस फोन को खरीदने से पहले। बात करें अगर हम इसकी प्राइसिंग की, तो इसका बेस वेरिएंट जो कि आपको मिलता है 12GB और 256GB इंटरनल मेमोरी के साथ, वो आपको पड़ता है 65,000 का, टू बी प्रिसाइज 64,999। वैसे तो ये फोन काफी अच्छा है। अगर हम इसका कंपेयर करें वन प्लस इलेवन के साथ में, तो उसमें काफी सारे अपग्रेड देखने को मिल जाते हैं हमको, जैसे कि कैमरा हमें काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, बैक का, फ्रंट का, प्रोसेसर हमें काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, बैटरी के अंदर इस बार उन्होंने अपग्रेड करा है, फ्रंट कैमरे के अंदर अपग्रेड करा है, कूलिंग सिस्टम इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, चार्जर उन्होंने बढ़ा के दिया है, वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें जो है इन्होंने काफी अपग्रेड करके दी है अपने पुराने फोन। अगर आप वन प्लस 12 के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक दे दिया है, आप उस पर जाके इसका फुल रिव्यू देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से रीजन जो आपको पता होने चाहिए इस फोन को खरीदने से पहले, और आप चाहें तो ऊपर वाले लिंक के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, इससे भी आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा देखने। वन प्लस के फोन्स काफी हाई होते हैं प्राइसिंग के अंदर, और उसका डायरेक्ट कंपटीशन होता है एप्पल एंड सैमसंग के साथ, जो कि प्रीमियम ब्रांड है सेलफोन मार्केट के अंदर। क्या इतना प्राइस इसे जस्टिफाई करता है, इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे। पहले वन प्लस फोन के सारे फोन वैल्यू फॉर मनी होते थे, बट आजकल कुछ सालों से हमें देखने को मिल रहा है कि वन प्लस अपनी प्राइस रेंज को बढ़ाकर ला रहा है, अलग अलग फोन लेकर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज के बारे में। क्या आपने कभी गौर करा है कि आप वन प्लस के अंदर या अपने किसी भी फोन के अंदर आप एक ऐप सर्च करते हैं और वो ऐप आपकी सर्च रिजल्ट के अंदर नहीं आती है, बट जब आप अपने एप्लीकेशंस को स्क्रॉल डाउन एंड स्क्रॉल अप करते हैं तो वहां पे वो एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है। तो ये इशू आपको कई बार वन प्लस के अंदर देखने को मिल जाता है, ये रेगुलर इशू नहीं है, ये कभी कभार वंस इन अ वाइल आपको देखने को मिल जाता है। हो सकता है ये इशू आने वाले अपने अपग्रेड के अंदर ये रिजोल्व कर दें। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड दूसरा इशू है फिंगरप्रिंट सेंसर का। जब आप फिंगरप्रिंट सेंसर को खोलते हैं तो वहां पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है। आपका फोन खुलने के बाद भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर वहीं देखने को मिलता है जबकि उसे वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन कई बार आपको ये देखने को मिलता है। ये जब आपको देखने को मिलता है जब आप हैवी गेमिंग कर रहे हो या फिर कोई भी हैवी यूज कर रहे हो किसी भी एप्लीकेशन का, अगर आप उसे स्विच ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑन करते हैं स्क्रीन को, तो वहां पर आपको कभी कभार फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। एक मोस्ट रिसेंट इशू जो मैंने फाइंड आउट करा है, अभी ही मैंने फोन कुछ दिन पहले अपडेट करा था, इनका एक नया अपडेट आया था, उसके बाद मुझे ये चीज देखने को मिला कि जब आप एप्लीकेशंस के बीच में स्विच करते हैं तो स्विचिंग के अंदर थोड़ा सा लेटेंसी देखने को मिल जाती है, वो इजीली आपका नहीं होता है। बट थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो वो वहां नहीं था, लेकिन फिर आगे चल के मुझे दोबारा से वो इशू देखने को मिला था। तो रिपीटेडली ये इशूज मुझे देखने को मिले थे। सेकेंड पॉइंट है इनकंसिस्टेंट कैमरा क्वालिटी। इसके अंदर आपको 120x तक का जूम देखने को मिल जाता है, लेकिन जब आप 120x का जूम यूज करके देखते हैं तो वो जो इमेजेस आप कैप्चर करते हैं वो इतनी कुछ खास नहीं होती, इतनी अच्छी कोई क्वालिटी नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे कि वो ऑयल पेंटिंग हो, ये कलर पेंटिंग हो, वो एक्चुअल फोटो से, एक्चुअल सीन से और कैप्चर्ड फोटो के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, जस्ट लाइक ए एनिमेटेड फोटो। सेकेंड थिंग, लो लाइट के अंदर या फिर रात को इसका अगर कंपैरिजन एप्पल या सैमसंग के साथ किया जाए तो इतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता है, मगर इसकी कैमरा क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है क्योंकि रिसेंट अपडेट भेज रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ बग फिक्स कर रहे हैं और उसके अंदर आपको नई से नई चीजें देखने को मिल जाती हैं कि बेटर क्वालिटी होती जा रही है। वो कैमरा एंथुसियास्ट, वन प्लस 12 का कैमरा काफी इनकंसिस्टेंट देखने को मिल सकता है। वैसे तो ये काफी अच्छा कैमरा क्वालिटी दे रहा है, मार्केट के अंदर इसकी कंपैरिजन में कोई दूसरा कैमरा देखने को नहीं मिलेगा फोन्स के अंदर, लेकिन कभी कभार इसका इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है, सो प्लीज बिवेयर ऑफ इट। मिसिंग की फीचर, ये जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ ये आपको अपसेट भी कर सकता है और आपका माइंड जो है वो भी चेंज कर सकता है कि वन प्लस 12 के अंदर यही चीज नहीं है तो हम वन प्लस 12 क्यों खरीदें, इतना पैसा अगर हम दे रहे हैं तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। वन प्लस 12 5G के अंदर आपको IP68 की रेटिंग देखने को नहीं मिलती है डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट की, आपको सिर्फ IP65 देखने को मिलती है जहां पर आपका सिर्फ डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है। ये स्प्लैश प्रूफ फोन है, अगर आप इसे पानी में डालेंगे या गलती से पानी में गिर गया तो हो सकता है ये सही सलामत बाहर ना आए और डेड फोन ही आपका बाहर आए पानी से,
दिस इज अ मेजर ड्रॉबैक इन वन प्लस 12। आप 70,000 रुपये तक भी इसका पे कर रहे हैं या 65,000 भी पे कर रहे हैं, यहाँ पे आपको IP68 रेटिंग देखने को नहीं मिलती है। IP68 की रेटिंग काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है और ये काफ़ी रिस्की भी है। वाटर एक्सपोजर से डिवाइस काफी वल्नरेबल है, डस्ट रेजिस्टेंट की भी गारंटी नहीं दे रखी है इसके अंदर। हाई एंड डिवाइसेस के अंदर ये एक्सपेक्टेड होता है कि उसके अंदर IP68 की रेटिंग देखने को मिले। इसके अंदर आपको कुछ डिस्प्ले इश्यूज भी देखने को मिल जाते हैं। जब आप इसे लो ब्राइटनेस के ऊपर यूज करते हैं तो आपको कभी एक बार ग्रीन टिंट देखने को मिल जाता है या फिर कलर आपको एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं मिलती है। और हाई एंड डिवाइसेस के अंदर एक्सपेक्टेड होता है कि लो ब्राइटनेस के अंदर भी ये काफी मेंटेन करके रखे इसके कलर्स। इसके अंदर कभी कभार आपको ब्लैक क्रशेस भी देखने को दिख जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, बट ये चीज जो है काफी रेयर होती है और ज्यादातर ये लो ब्राइटनेस के अंदर ही होती है। अब हम बात करते हैं इसके कर्व डिस्प्ले के बारे में। वन प्लस 12 5G के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। जब मैं इसका यूज कर रहा था, मुझे इस फोन को यूज करते हुए 4 महीने हो चुके हैं, इसकी जो स्क्रीन कर्व पे दे रखी है उसके अंदर मुझे कभी कभार इश्यूज देखने को मिलते हैं। मैं वहाँ टच करके फंक्शन करने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो फंक्शन प्लेस नहीं होता है, मुझे 4 से 5 बार कोशिश करनी पड़ती है उसके बाद वो हो जाता है। बट मुझे लगा कि शायद वन प्लस 12 5G इस कर्व स्क्रीन के अंदर ज़्यादा सक्सेस नहीं पा पाया है और इसलिए मैं वन प्लस 12 5G की कर्व स्क्रीन का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ। कर्व स्क्रीन के साथ अगर आप प्रोटेक्शन की भी बात करें तो इसके स्क्रीन गार्ड्स काफ़ी महंगे मिल सकते हैं, टेम्पर ग्लास काफ़ी महंगे मिल सकते हैं। अगर आप वो नहीं लगाते हैं तो गिर जाने पर आपके फ़ोन का टेम्पर टूट आपकी स्क्रीन टूटने का काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। वैसे तो इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास वेक्टर थ्रू का प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई तो विदाउट टेम्पर इसकी स्क्रीन डैमेज होगी और कर्व डिस्प्ले आपको पता है कितना महंगा आता है, तो ये अनदर ड्रॉबैक मान सकते हैं आप इसके अंदर। और क्योंकि इसकी कर्व स्क्रीन है, एक्सीडेंटल इनपुट्स भी इसके अंदर हो सकते हैं जब आप चाहते हैं, जब तो इनपुट नहीं हो पाता है कभी कभार, लेकिन एक्सीडेंटल इनपुट इसके अंदर ऑलरेडी चला जाता है, तो ये भी आपका एक ड्रॉबैक देखने को मिलता है। मैं कर्व स्क्रीन का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, शायद मैं इसलिए इतनी ज्यादा बातें कर रहा हूँ आपके साथ कर्व स्क्रीन की, बट ये आपका कॉल है, आपको पता होना चाहिए। मेरा फर्ज बनता है कि आपको ये चीज़ पता हो ताकि आप फोन खरीदने से पहले अपना डिसीजन बना सकें। आजकल के वन प्लस फोनों के अंदर आपको कुछ ब्लॉटवेयर भी देखने को मिल जाते हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड होते हैं और उन्हें अनइंस्टॉल करना थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर आपको उन्हें हटाना है तो आपको थोड़ा इफर्ट करना पड़ता है उन चीज़ों को रिमूव करने के लिए, लेकिन मेरी माने तो वन प्लस जैसे प्रीमियम फ़ोन को ऐसी चीज़ नहीं देनी चाहिए प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर जो हम अनइंस्टॉल ना कर सकें, बिकॉज ये काफ़ी एनोइंग होता है। आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक प्रीमियम ब्रांड ले रहे हैं, उसका टॉप मोस्ट मॉडल ले रहे हैं और अगर आप वहाँ पे भी आपको ब्लॉटवेयर देखने को मिले सो इट इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। बात करें अगर सॉफ्टवेयर सपोर्ट की वन प्लस 12 5G के अंदर, तो वन प्लस 12 5G के अंदर अब तक इसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट दिया है जो कि 5 साल का है, लेकिन अगर इसका कंपेयर करें हम एप्पल और सैमसंग के साथ तो यहाँ पे वो 7 साल का दे रहे हैं सपोर्ट। तो बेसिकली सपोर्ट के अंदर क्या होता है कि आप अपने फ़ोन के अंदर सिक्योरिटी अपडेट्स और नए नए फीचर वाले अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर ये अपडेट नहीं आता है तो आपका फ़ोन अब आज की दुनिया से थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अगर कोई वायरस इश्यूज या सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं तो उसे ये मद्देनजर रखते हुए नए नए अपडेट भेजते रहते हैं। इन सबसे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एंड फीचर अपडेट्स पर इम्पैक्ट पड़ता है। सो आई थिंक वन प्लस 12 5G को भी अगले फ़ोन के अंदर या फिर इस फ़ोन के अंदर ही अपने सपोर्ट को थोड़ा इंक्रीज कर देना चाहिए ताकि वो मार्केट के अंदर जो लीडिंग ब्रांड्स हैं उनको कंपटीशन अच्छे से दे सके। अब हम बात करते हैं रिपेयरेबिलिटी एंड बैटरी डिग्रेडेशन के बारे में। अगर आपका फ़ोन वारंटी के बाहर हो जाता है, अगर आप चाहते हैं कि आप वन प्लस के स्टोर पर इसे रिपेयर ना करा के कहीं और से रिपेयर कराते हैं, तो वन प्लस 12 एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिवाइस है इंटरनली। अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो अगर आप बाहर इसे रिपेयर कराते हैं तो वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने इस बार काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस दिए हैं इसके अंदर इसे बेटर प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसके अंदर नॉन रिमूवेबल बैटरी होती है, अगर आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है वारंटी के बाद तो वो भी आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। एंड बात करें अगर रैपिड चार्जिंग की, तो रैपिड चार्जिंग के अंदर ये होता है इसके अंदर आपको 100 वोल्ट की सुपर वूक चार्जिंग देखने को मिल जाती है, बट अगर आप अपने फ़ोन को फास्ट चार्जिंग करते रहेंगे तो इससे आपकी बैटरी की डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे करके आपकी बैटरी की लाइफ कम होती चली जाती है। इसके अंदर ही आपको ये फीचर भी देते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी लॉन्ग टर्म तक चले तो आप इसे स्मार्ट मोड पर डाल सकते हैं, तो ये फ़ोन ये लर्न करेगा कि आप इसे कितनी देर चार्जिंग लगाते हैं और उस बेसिस पे ही वो चार्जिंग को स्लो कर देगा, बट जब आप इसे अनेबल करेंगे जब ही अनेबल होगा, अदरवाइज फास्ट चार्जिंग पर ही चलेगा।
अब जब हम रैपिड चार्जिंग के बारे में बात कर ही रहे हैं तो चलिए मैं अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में भी आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में जब मेरा फोन आया था तो ये काफी इजीली 25 to 35 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने ऐसी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करा जिसका यूजेस बैकग्राउंड में भी चलता रहता है और उसका यूजेस प्रोसेसर पे भी इफेक्ट डालता है, तो इसकी रैपिड चार्जिंग थोड़ी सी मुझे कम देखने को मिली। स्क्रीन ऑन करके मैंने इसकी रैपिड चार्जिंग को कैप्चर करने की कोशिश करी थी तो उसके अंदर ये 55 मिनट के अंदर फुल चार्ज हुआ था। ये जो इनकंसिस्टेंसी है बैटरी चार्ज करने के अंदर सुपर वूक का जो यूज कर रहे हैं तो ये मुझे लगा कि थोड़ा इनइफेक्टिव है। कस्टमर सपोर्ट इश्यूज, कस्टमर सर्विस के बारे में बात करें तो वन प्लस ने पास्ट के अंदर काफी सारा क्रिटिसिज्म फेस किया है। वारंटी क्लेम्स और रिपेयर्स काफी ज्यादा इश्यूज देखने को मिले हैं। अब तो लोकल स्टोर्स भी वन प्लस के कम हो गए हैं, जैसे कि आपने हाल ही के अंदर न्यूज के अंदर देखा होगा। इसका मतलब आपको थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है फोन रिपेयरिंग एंड अदर थिंग्स के लिए। सो द फाइनल क्वेश्चन, शुड यू बाय इट और नोट। सो क्या OnePlus 12 5G आपके लिए एक सही चॉइस है? इन सब इश्यूज को देखते हुए डिसीजन आपके हाथ में है। प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो ला सकें, इन डेप्थ रिव्यू ये सारी चीजें हम आपको बता सकें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है कि आप इस OnePlus 12 5G को खरीदना चाह रहे हैं या नहीं खरीदेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन एंजॉय।